because the BJP claims this is happening because of central liberal aid going to Kashmir. Kashmir has no other sources of their own. बीजेपी का तो सबसे बड़ी चीज ये थी, वो मुल्क का नहीं सोचती है, उनको तो अपना जो एजेंडा था उसका सोचती है, उनका जो एजेंडा है उसी पर चलती है, वो मुल्क का नहीं देखती है कि मुल्क कहाँ जा रहा है। जैसे फार्मर्स पॉलिसी लाई है, आज दुनिया उनके खिलाफ बोल रही है मगर वो खड़े हैं, नहीं नहीं ये तो हिंदुस्तान को तब्दील करेगी, हिंदुस्तान तो आसमान से बातें कर लेगा, हमारा किसान जो वो कहते थे आपसे, किसान से कहते थे हम आ गए हैं अब तुम्हारी कमाई जो है दुगनी नहीं तिगनी हो जाएगी। क्या बात, आपने जवाब नहीं दिया कि केंद्रीय कहा है वो दो और तीन की कमाई कहा है वो जो दुगनी और तिगनी हो जाएगी। नहीं नहीं आपने डॉक्टर साहब जवाब नहीं दिया, उनका कहना है कि केंद्र सरकार के पैसे से कश्मीर में तरक्की जो भी हुई वहां के स्टेट के लोगों का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है वहां पर। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं जनाब, ये तो रोज ही कहते हैं ना, वो कहते थे ना कि चीन आपके बजट की हमारे पास जमीन हमारे पास है, चीन अंदर नहीं आया है, कहते थे ना इस मुल्क लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और फिर हमारे रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में कहते नहीं 38,000 स्क्वायर किलोमीटर उनके नीचे है, और फिर ये मानते हैं कि उनने मिसाइल लाई है, उनने टैंक लाए हैं, उन्हें बॉम्बर्स लाए हैं, क्या कह रहे हैं आप, हमारे सिपाही मारे गए, पहाड़ों से गिराए दिए गए, उन लकड़ियों में कील छोड़ के लोगों को मारा गया, हमारे इंसान ने पूछा था आपसे कश्मीर की, कश्मीर हिंदुस्तान का, इन्हें आंसू बहाए कहां, आंसू बहाए जब वो हो गया था इलेक्शन से पहले, वो क्या कहते हैं इसको हमारे पुलवामा में 40 मारे गए थे सिपाही, तो क्या शोर और क्या जनाब, प्रधानमंत्री और सारे उन पे फूल चढ़ा रहे हैं, ये जो बेचारे 20 मर गए, क्या ये इस काबिल नहीं थे, क्या इनके लिए हमें शोर नहीं करना चाहिए था,